हरि ओ हो श्रीमान महागणाधिपतये नमो नमः। अंगवाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओम श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। अंगमातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जगन्नाथ 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 रक्षमां। जगन्नाथ 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 रक्षमां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां। जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां। जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ जगन्नाथ पाहि मां। जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्षमां। जगन्नाथ 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 रक्षमां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। निलाचल निवास साय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां प्रभु जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। कालिया शांत दारु देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथंकर अभय चरणारविंद जुगल रे कोटि कोटि जुहार। मणिमा कोटि कोटि जुहार। जनंकु विष्णु प्राय मणे नमई तहांक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दईतारी। जनता जनार्दनंकर चरणारविंद रे पुनर्बार कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि जनता जनार्दन। प्रियात्मन हरिंकर जपरि कौनसी आदि न थाए कि अंत न थाए। तांकर कथार मध्य किछि आदि न थाए कि अंत न थाए। से जपरि अनंत तांकर कथा से परि अनंत। एवं जहांकर कथा श्रवण कले चिंतन कले ए मनुष्य जीव मुख्य प्राप्त होई थाए। आज आमे मुख्य कौन जानू ना। मुख्यर आवश्यकता को आमे उपलब्धि करू ना। आमे सांसारिक माया जाल रे प्रवेश करी नानादि दुखजात द्रव्य सहित बंधुता स्थापन करिछे। जौथरु दुख उत्पत्ति हुए आमे तांको सहित बंधुता स्थापन करिछे। एवं जहाँ चिन्मय जहाँ सत्य जहाँ चित एवं आनंद जे कि सत्यम शिवम सुंदरम आमे से साधारण विषय ज्ञान को अंगीकार करी दुख को निमंत्रण करी आमे जीवन को आनंदमय जीवन को आमे दुखमय करि दउचे। निजे निजे जानी किरी सामयिक सुख पाई एवं जो दिनिस सामयिक सुख प्राप्त करी थाए तार अंतिम होउचे फल होउचे दुखदायक। जे प्रथम रु दुखदायक धै थाए तार अंतिम होउचे सुखदायक। सेई पैथि पाई तो कालिया शांत लिंब गछर दारुरे आविर्भाव होइछन्ति। जे प्रथम रु पिता शेषरे से उचन्ति मीठा। तेणु जगन्नाथंकर चरणारविंदरे आश्रित नवा जगन्नाथ सर्वस्व हवा। यहाँ ही आमर विचारधारा यहाँ ही आमर संकल्प। प्रियात्मन जैमीन ऋषि समस्त ऋषि मुनिगण माने ब्रह्मदर्शी तीर्थ द्रष्टा समस्तंकु बसाई अति नम्रतार सहित कहुचन। ऋषि माने पचारुचन्ति जैमिनी हे ऋषि प्रवर जमराज माँ लक्ष्मीङ्ग ठारु समस्त कथा श्रवण करी बड़ा आनंदित हेले। परंतु महालक्ष्मी ए मार्कण्डेयंकर कथा कौन कहुथिले
आपण पुंखानुपुंख भावरे आपण बुझेकरि आमको कुहंतु जहा फळरे आमे श्रवण करिबा द्वारा आम त्रिताप दुख नष्ट होइथाय। तेणु महालक्ष्मी कहुचंती जमंकु कहुचंती कले देख जेतेबेले महाप्रलय राशि रे मार्कंडेय महामुनि जेतेबेले संसार रे केही नांती केवल परमात्मा परम पुरुष तम विराजमान करिछंती एवं स्वयं योग माया विराजमान करिछंती। कारण योग मायांकर प्रभाव रे ही प्रलय होइ दृष्टि प्रभु करिथांती। कारण भगवानंकर शक्ति होउछंती योग माया तुम वैष्णवी शक्तिरनंद विरिया से विष्णुंकर शक्ति हेतु से वैष्णवी शक्ति बिली कहा जाए था। से ब्रह्मांकर शक्ति बिली से ब्रह्म शक्ति बिली कहा जाए था। से शिवंकर शक्ति बिली से शैव शक्ति बिली कहा जाए था। तेणु भगवान मार्कंडेय महामुनि जल जलरे विराट जलान्नव संसार इतस्थित हो से जलर महान घूर्णि प्रलय कुआड़े जीवे कौन करिवे कौ कूल को जीवे कहा को धरिवे उत्पलत्व प्लुत्वमूलं च नग्रधस्य समीपतः अनेक बुली बुली जल रे घंटी चकोटी केतेबेले तळू को गलेणी केतेबेले ऊपर को गलेणी केतेबेले नै जल बाड़ी देलाणी कोड़ी नै फोपाड़ी देलाणी। किंतु नारायण को हृदय भितर स्मरण करी देखिले गोटे विराट वृक्ष विराजमान करिछन्ते से वृक्ष मूल रे नुप्लत्यं प्लत्यमूलं च नग्रधस्य समीपतः से वृक्ष पाखरे जाई पहुंचिले कला अरे आउ संसार तो केही कुआड़े देखा जाऊ नांती ये गोटिए वृक्ष रंगचंद से को वृक्ष कल्पवृक्ष महावृक्ष दानवृक्ष महाफलः भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्वानुतत्वं जो वृक्ष निकट को गले भक्तर समस्त मनस्कामना स्वतपुत्त भावरे फलवती होइथाय। आपण जानतु आज कल्पवृक्ष निकट को से कल्पवृक्ष निकट रे आपण गोड़ी बांधंतु न बांधंतु से कल्पवृक्ष निकट रे भगवान कल्पवृक्षं को स्मरण करी चक्र नारायण को नमस्कार करी हृदय भितरे कौनसी ना कौनसी फलप्राप्ति पाई मनोवांछित फलप्राप्ति पाई आपण संकल्प करंतु हृदय भितरे भगवान आपण कथा सुनुचंती कि न सुनुचंती आपण जणैबे। एवं जो मनरा वांछा ताहा जेपरी परर अनिष्टकारी होइनथिबो परर कल्याणकारी होइथिबो कौनसी एपरी प्रतिज्ञा बा एपरी फल आशा करंतु ना जो फल जो पूजा जो आवासना जो कामना अन्यर नष्ट किछि करूथिबो अन्यर क्षति पहुँचौथिबो केवल मनुष्य नुहे वृक्ष लता पहाड़ पर्वत जीव वृक्ष ए सब कहार क्षति से पहुँचौ नथिबो मो द्वारा आउ जड़े पीड़ित हबो यहाँ पाप अटे यहाँ देव ऋषि मनुष्य असंतुष्ट अंति जैमिनी कहउछंती हे ऋषिगण माने उप्लत्यं प्लुत्यमूलं च गोटे वृक्ष पाख गले दौड़ के पानी माड़ खाई जो गले गोटे कांद शुभिले क्वा 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 पिला सद्यजात शिशुटे कांदुच पिलाटी जो बड़े जन्म हो प्रथम कांदर जो भाव आप मन रखत से दुई दिन पर से भाव मध्य परिवर्तन ही थाए प्रथम शिशु संतान प्रथम संतान जोबले भूमिष्ठ हुए से जो क्रंदन करे अति करुण क्रंदन सी ए करुण भीतर मध्य आनंद परिपूर्ण ही रही था जो करुण क्रंदन को श्रवण करी समस्ते आनंद उल्लास रे नाती नाची उठंती मोर नाती हेची मोर नातुणी हेची मोर पुओ हेची मोर झिया हेची से करुणता भीतर परिपूर्णता थाए से करुणता भीतर स्नेह थाए आनंद थाए प्रेम थाए सद्भावना थाए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। मार्कंडेय महामुनि सुनुचंती गोटे पिलाटे क्वा 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 हेकर क्रंदन करुचि एवं अरे कोठे किए पिलाटे कांदुचि चारिआड़ अनैले पानी की दिभा करिकरी अरे प्रलय जल सी कौन नदी बढ़ी पड़ी जाइए जल
से महाप्रलय जल सी से जल संसार रे छस्तरी भाग जल पचीस भाग स्थल एक मुहूर्त लगे संसार को जलान्व करने एवं संसार रे आमे हूचे मीन रूपी मानव संसार जल रूपेण मीन रूपेण मानवा तेणु से मीन रूपी मानव रूपी मार्कंडेय मुनि चारियाड़े तस्थित हई बुलुचंती से क्रंदन एते आकर्षित करुछि एते रोमांचित करि दउछि एते बाधा भाग विघ्न पानीर माड़ प्राणीर कष्ट पवनर कष्ट अंचाश पवन बहुत हो महाप्रलय रे कौन कम कथा अंचाश पवन बहिबो ए जोड़िए 60 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर वेगरे पवन बोइले घर द्वार रास्ता घाट उपुड़ी जाऊ 49 वेगरे 49 पवन बोहिबे जल स्थल अंतरिक्ष एकाकार हेथिबो सेठी जो करणोदक जो कारण करुण स्क्रंदन श्रवण करी इतस्थित होई अनौचंती से क्रंदन को अनुध्यान करी कोठ से कांद आसुची से धीरे धीरे पानी को आड़ी आड़ी गोविंद को स्मरण करिए कौन कहूँ एमती शुघा जाऊ कथा महालक्ष्मी कहते जमराज को जे मार्कंडेय मुनि महाप्रलय इतस्थित हो बुलुंट गोटे बाड़कर क्रंदन शब्द श्रवण कर अधीर हो पड़ अरे कौटी पिलाटे किए कामची रे बाबा केते करुण हई कामची रे केते राहाधरी कामची रे एवं तांकु किए कौन कहुच एमिति कानरे सुघा जाउच प्रविश्यम दुःखमतुलं जहिहि खलुमाश्रुचः हे मुनि मार्कण्डेय इतस्थित भूलिले क्वाड आउ देखिबे महाप्रलय रे कहा को देखिबा को पाउ नांती टिके कान डेरिले पवन बहुची पानीर गर्जन कन कर्ण डेरिले कान भितर पानी पशि जाऊ प्रविश्यम दुख मतुल जही खड़ुमाश्रुच हे मुनि मार्कंडेय मोर निकट को आगमन कर मो निकट को आस मो निकट को आस आगमन पूर्वक आत्यम अत्यंतिक दुख को दूर कर एवं शोक को दूर कर दुख एवं शोक ए दुईटी की दूर करी तमें मो जोठी कांदुची मो निकट को तमें आस भय करना भय नाम भय भीषण जो भय जहां को देखिले भयभीत होता है काल जहां को देखिले भयभीत होता है कालिया शांत सी कालम कलयताम हम से स्वयं काल कलैवै पुरुष एवं से निजे कालिया शांत ही बसी काल अर्थ समय संवत्सर वर्ष मास दिन दंड सप्ताह मुहूर्त घंटा कंटा मिनिट सेकेंड ये होची समय बा तार अन्य नाम काल से काल प्रविश्यम दुख मतुलं जही खड़ुमा सुच हे मुनि मार्कंडेय तमे इतस्थित हई जड़ान्नवरे बड़ कष्ट पाउच मु जानी पारुच मोर निकट को आगमन पूर्वक आत्यंतिक दुख को दूर कर ओ शोक कर नाही कांद ना जे मो निकट को आसे तार दुख आउ कौन जे भगवान निकट रे समर्पित से दुख रे उद्विग्न हुए ना कि सुखरे भाव विहड़ होई उन्माद करे ना तर तुम्हें दुख कर ना कि दुखरे भांगी पड़ ना एवं दुख को दूर करी शोक दूर करी मो निकट को आस तच्छत्वाम चित्रवचन मत्यक्यं तदा मुनि विस्मयं परमं लेभे स्वदुःखं न्यापचिंतयत मार्कंडेय आसी आसी भाभी भाभी भावुंत आरे एपरी कौन कथा आसुची किए मत डाकुची ये जड़ा कहा तो मुझे देखी पारुनी कह केवल क्रंदन शुणुची ये पिला किए कहा पु कहा पिला सीए किपर करुण क्रंदन करुची फेरे मत डाकुंत किए आस आस मार्कंडेय महामुनि या भाभी भाभी व्यस्त होला बेले महालक्ष्मी कहते जम को ये तो अति व्यस्त हो गले ना पिला देखी पार
केवल क्रंदन शुणुंट एमती किए डाकुं दुख करना शोक करना दुख सुख को परित्यय करी मो निकट को आस प्रभु चरणारविंद जदि आश्रित नवा को इच्छा तांकु भल पा सी किपरी खुशी हेबे सेपरी कर्म कर कहा को दुख दे आमे सुख प्राप्त हो पारिबा ना कहा को दुख दे भगवान आशीर्वाद लाभ करी पारिबा ना एगुड़ाक मनरे टिके मंत्रमाला करी भावुथिबे एगुड़ा भाविले जीवन रे ये जो मेडिसिन यहाँ बहुत कार्यकारी दे छोटिया छोटिया कथा हुए हम कहा को दुख दे ता दुख देखे आम सुखी हवा आम दुख किए बुझे जितने आम कांदीबा से तो बले प्रभु हसीबे तेणु जमा पचारुछन मा मार्कंडेय मुनि कौन कले कौन जारी पारे ना रे कौन जानवे सीए कल्पानुकल्पे मुनः जम धत्वा मुनयो समाधि समितवो शुद्धो वियत सन्निभम तम वंदे पुरुषोत्तमं ममाख्य कमलम नित्यं विभू निश्चलम कल्प कल्पांत पर्यंत मुनि ऋषिगण माने जानी पारि नहंति तथापि मार्कंडेयं प्रति भगवानंकर बड़ अपार कृपा था जे कि महाप्रलयर द्रष्टा महालक्ष्मी कहउचंती कृतं निराश्रयं मीदं चिंतयन् नित्ति संप्रदवं शंखचक्रं कदापाणि नारायणं मलोकय भगवान मार्कंडेय महामुनि से जलार्णव भितरे स्वयं भगवान को दर्शन करुछन्ति पदारविन्देन मुखारविन्दे बटस्य पूटं परिसयामि गोटे बटपत्र उपरे गोटे सद्यजात शिशु निजर गोड़ टिके पाठी रे लगे पदार विंदेन मुखार विंद बटस्य पूटं परिसयानम से बटपत्र रे शयन करी निजर गोड़ टिकु गोड़ टिकी टेकी वृद्धांगुली की चुचुमुचंती मुखार विंदेर पदार विंदेन मुखार विंद एवं तंक स्वरूप दिव्य तेज निर्गत होच शंख चक्रम गदा पाणी नारायण मलोकय से रूप रे भासमान होचंती एवं क्रंदन करचंती क्वा 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 इकरी कांदुच से बटपत्र रे शयन करिछंती एवं नारायणम स्वयं मार्कंडेय महामुनि देखुचंती प्रभु से बाल मुकुंदंकर स्वरूप सह स्वयं नारायणंकर स्वरूप को दर्शन करी कुतार्थ कृतं निराश्रयं मीदं चिंतयन् नित्य संप्लवन् तले निराश्रय हेगले मार्कंडेय मुनि कौन करिबी कुआडे किछि जानी पारुनी कुआडे जीवी कौन करिबी बोले जगन्नाथ भगवान की जय ससंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीह रक्षणं सहार वक्षं स्थल कौस्तुवाश्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं तले देखी रही चंती हठात रही अरे जो नारायण स्वयं परम ब्रह्मो पुरुषोत्तम स्वयं बाल मुकुंद रूपरे विराजमान करिछंती शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स पाद चिन्ह समस्त सुशोभित होचि दिव्य तेजरे समग्र ब्रह्मांड अनील वर्ण आलोक द्वारा आलोकित आच्छादित होइछंती सुगंध वायु प्रवाहित होचंती से क्वा क्वा क्रंदन रे सब एपरि शब्द जल तरंग मध्य तरंगायित होचंती जदंग भूतं जगदंडमेत जनेक कोटि प्रगुणं विभाति लीला विलासं स्थिति सृष्टि लीनं तदपाद पद्मा नुसरा नुसंगं हृदयम्रदास्मनं सं महाप्रभु को भगवान मार्कंडेय मुनि जेतेबेले दर्शन करछंती अनन्य उपाय आ कुआडे कौन करिवे महाप्रभु को स्तुति गान करिछत से महान प्रलय जल रे नग्रोध वृक्षर पाखरे नग्रोध बना कल्प वृक्ष जे कि महाप्रलयर द्रष्टा अटंती
ମହାଭାରତରେ କଥା ତଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାରର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଲୋମସ ମହାମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଲୋମସ ମହାମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଲୋମସ ମହାମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ନାରୀଜଙ୍ଗ ବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ। ନାରୀଜଙ୍ଗ ବଠ ପକେଇଲେ ଅକୁପାର କୁର୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅକୁପାର କୁର୍ମ ପଠେଇଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯୋ ମହାବୃକ୍ଷ କଲେ ସେ ମହାବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମହାବୃକ୍ଷ ମହାପ୍ରଳୟର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆସି ଅଟନ୍ତି। ଜଦଙ୍ଗ ଭୂତଂ ଜଗଦଣ୍ଡମେତ ଜନେକ କୋଟି ପ୍ରଗୁଣଂ ବିଭାତି ଲୀଳା ବିଳାସଂ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିଲୀନମ। ଭଗବାନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅନନ୍ୟ ଉପାହି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ହେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ନିରାଧାର ନିର୍ଗୁଣଂ ମହାନ ହେ ଅଣୁ ହେ ବୃହତ୍ ହେ କୁଶ ହେ ସ୍ଥୂଳ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡୋଦର ହେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ ତଦପାଦଂ ପଦମାନୁସାରୁନୁ ସଙ୍ଗଂ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ପଦମା ସନ ସମ୍ପଦତ୍ୟାମ। ହେ ମାର୍କଣ୍ଡବମୀ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳରାଶି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ତ୍ୱଂ ଭକ୍ତିହୀନ ପରିତଂ ପ୍ରତପ୍ତଂ ଦୀନଂ ପରିତ୍ରାହି କୃପାମ୍ବୋଧମଂ। ତୁମର କୃପା ନ ହେଲେ ଏ ଭବଜଳ ସାଗରରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ପାଇବି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଯୋ ଚରମ ଡୋଳା ସଜନୀ ଗୋ। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ଚର୍ମ ଡୋଳା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନିଙ୍କ। ମହାପ୍ରଳୟ ରାଶିରେ ମୁଖାରବିନ୍ଦେ ନ ପଦାରବିନ୍ଦେ ସ୍ୱୟଂ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମହାନ କାରଣୋଦକ ଜଳ ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୁକୁଟରେ ହିଁ କାରଣୋଦକ ଜଳ ବା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ଠିକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ବଟପତ୍ର ଉପରେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛୁ। ସେଇ ସେଇଠାରୁ ହିଁ କାରଣୋଦକ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣୋଦକ ଜଳ ସେଇଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ସେ କାରଣୋଦକ ଜଳ ସେଇ ରୋହିଣୀ ନାମକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥଂ ମହାଭାଗା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱାନ୍ ଶାଶ୍ୱତ ବିଗ୍ରହ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅହୋ କୃତାର୍ଥ ବଣିଛନ୍ତି ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୱଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ପରିତଂ ପ୍ରତପ୍ତଂ ଦୀନଂ ପରିତ୍ରାହି କୃପାମ୍ବୁନ୍ଦେ ଦୀନଂ ପରିତ୍ରାହି କୃପାମ୍ବୁବୋଧମ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ଦେଖୁଥିଲି। ହେ ଦୟାସାଗର ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଜନ କରୁଥିଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲି ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦଣ୍ଡ ଦୟାସାଗର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖ ସାଗରରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଥିବାର ଯମଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପାବଶତଃ ହୋଇ ଯମର ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯମଙ୍କର ନିବେଦନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇତସ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନବା କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବରାତ କରିବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ।
प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।